so it's like this we are now going to discuss about newton's ring experiment or simply we can call as newton's ring okay it is an example of wedge shaped film interference it is an example of wedge shaped film interference

आपने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो ये जो है वो ग्लास शीट है और ये जो प्लेन ये जो सर्कल बनाया है मैंने इट इज एक्चुअली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये बिल्कुल एक सतह पे एक प्लेन ग्लास शीट है तो आप खुद सोचिए आपने एक प्लेट बिल्कुल सतह जो है बिल्कुल स्ट्रेट है उसके ऊपर एक लेंस रख दिया है तो यहां से देखने पर यहां से देखने पर आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा दैट यू हैव अ प्लेन शीट उसकी थिकनेस जो भी है एंड ऑन दिस यू हैव प्लेस्ड अ लेंस व्हिच आई एम सेइंग इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो ये जो लेंस है इसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन है और दूसरी साइड बल्जिंग है या कॉन्वेक्स है दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इसे एक प्लेन शीट पर ही रख दिया है जो कि इसका एक सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर इसे और बेहतरीन और बारीकी से बनाने की कोशिश करें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस ओके एंड जस्ट टचिंग, एक टेंजेंशियली टचिंग प्लेन इसे पास होगा नाउ यू सी दैट पे कुछ कुछ ये डेंसिटी वन है ये भी ग्लास की है तो इसकी भी डेंसिटी मतलब ये म्यू वन है ये भी म्यू वन है इसके बीच में यहां पर एक फिल्म बन गई है और ये फिल्म किस चीज की बनी है अगर ये खाली जगह है तो एयर की और आप गौर करें कि ये एक साइड नहीं है इसको थ्री डायमेंशन में इमेजिन कीजिए तो इट्स अ थ्री डायमेंशनल स्पेस राउंडेड और इज रोटेटेड अलोंग दिस कॉन्वेक्स प्लेन ठीक आप इसे इमेजिन कर पा रहे हो आई होप यू डू ओके तो आप के पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है तो पहले हमें यह समझ में आया कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स असेंबली क्या होती है

अब आ जाए एक्सपेरिमेंटल असेंबली पे ये प्लेनो कॉन्वेक्स अरेंजमेंट इज सिट्स तो सबसे पहले क्या है? सब से पहले, uh, have, say, okay. एक है आपके पास और uh, इस पॉइंट सोर्स से आप जानते हैं समथिंग लाइक दिस द लाइट वुड कम आउट सो यू हैव एक्चुअली पास दिस लाइट थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इफ दिस वॉज लोकेटेड एट देंटर और आई आई शुड से दोकस ऑफ दिस में पैरल लाइट आने लगेगी okay? पैरल लाइट आने लगी तो यहां से लाइट शुरू होती है और आपने कॉन्वेक्स लेंस की मदद से उसे एक पैरल बीम में कन्वर्ट कर लिया पैरेलल बीम, ओके? नॉर्मली ये माना जाता है कि अनंत से आने वाली लाइट पैरेलल होती है लेकिन हमारे पास अभी अनंत नहीं है तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट सोर्स से पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर लिया और ये आठवीं क्लास की ऑप्टिकल फिजिक्स है इसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो होती है आपके पास एक बीम स्प्लिटर बीम स्प्लिटर एक ऐसा हाफ सिल्वर्ड ग्लास होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी हो जाती है यानी ट्रांसमिट भी हो जाती है तो एक ऐसा हाफ सिल्वर्ड ग्लास जिससे लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और ट्रांसमिट भी हो जाएगी आप उसे बीम स्प्लिटर बोल सकते हैं बीम स्प्लिटर ओके तो एक ऐसा कांच का टुकड़ा जो आपने हाफ सिल्वर्ड किया हुआ है इसको आधी तरीके से सिल्वर्ड किया ताकि लाइट पार भी हो जाए और रिफ्लेक्ट भी हो जाए एंड इट इज एट एन एंगल 45 डिग्रीज इट इज एट एन एंगल 45 डिग्रीज यानी 45 डिग्रीज का मतलब क्या है ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ओके okay? या आप कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल का नॉर्मल होता है हॉरिजॉन्टल का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल आपस में फोर्टी डिग्री का एंगल बना रहे हैं That's it. That's what I want to say. दिस प्लेट इज इनक्लाइंस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज उसके बाद क्या होगा ये टकराएगी लाइट ये भी लाइट टकराएगी और ये भी लाइट टकराएगी और टकराने के बाद मैंने आपसे कहा यहां दो चीजें होंगी पहली तो ये कि इस ही सतह से ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए और दूसरी जो चीज होगी वो क्या कि ये लाइट ट्रांसमिट होगी और कहीं पार चली जाएगी तो ये दोनों चीजें हो रही हैं फाइन यहां से भी लाइट आ रही है <coughs> और यहां भी लाइट जा रही है फाइन अभी तक जो असेंबली बनाई उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब इसके अब इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसके सामने हम ऐसी कोई प्लेनो कॉनवेक्स असेंबली रख देते हैं तो हमने क्या किया अब एक प्लेनो कॉनवेक्स असेंबली को यहां रख दिया अब ये लाइट यहाँ पड़ी कुछ हुआ इस जगह यहाँ भी पड़ी कुछ हुआ यहाँ भी पड़ी कुछ हुआ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी होना है और यहाँ से लौट कर लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट वगैरह होकर एंड वेन द राइट लाइट विल कम यहाँ से फिर दोबारा से इस जगह ऐसे लौटेगी और यहाँ पे आपने एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है उस माइक्रोस्कोप के आई पीस में जब आप देखेंगे तो आपको फ्रिंज पैटर्न दिखाई देगा ये होता है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट फ्रिंज पैटर्न दिखाई देगा वो फ्रिंज पैटर्न इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस रिफ्लेक्टेड लाइट में एक तो ऊपर वाले सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है आई कैन से कि ये ग्लास प्लेट के इस सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरी यहां से टकराती है टकराने के बाद लौट के आती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है ठीक है तो यहाँ दो आप कह सकते हैं स्मूथ सर्फेस है एक तो ये और एक दूसरा ये तो ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइट आती है टकराती है टकराने के बाद वापस चली जाती है और दूसरी बाहर निकलती है फिर टकरा के बाहर जाती है दैट्स हाउ इट है हमने देखा है कि वेज शेप फिल्म में इंटरफेरेंस जब कल पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ये सारी चीजें देखी थी डिस्कस भी की थी ओके okay? ये तो पैरेलल वाले का डायग्राम मेरे पास है राइट नाउ आई एम नॉट कैरिंग द वेज शेप वन विद मी बट आई होप आपकी आपकी नोटबुक्स में जरूर होगा उसमें आपने लिखा भी होगा कि हाउ शेप फिल्म में रिफ्लेक्शन के थ्रू इंटरफेरेंस हम देखते हैं गॉट इट तो अब आप यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस देखने को मिलता है उसका रीजन होता है ये सब एक प्लेट है आपके पास और ये कॉन्वेक्स लेंस है मैं थोड़ा सा इसका कर्वेचर ज्यादा ले रहा हूं हालांकि आप इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फॉर एग्जाम्पल सपोज इज दिस लाइट विजिबल ये पेन दिख रहा है आपको ये वाला येलो

तो ए, ये ये ए बी पॉइंट हो गया हमने कहा ये पहली जो है हमारी रे है और दूसरी क्या है इसी का कोई पोर्शन बाहर आ सकता है आई शुड बी मेकिंग इट कमिंग क्लोजर और यहाँ से टकराकर भी वापस जा सकता है ओके सो दिस इज लेट्स से टू और आप जानते हैं फिर आप इसे बैक प्रोपेगेट करेंगे तो कहीं आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा कल ऐसा किया था हमने वेज शेप फिल्म के लिए आई होप यू ऑल रिमेंबर सो दिस इज द रीजन ये पहला या दूसरा ही एक्सपेरिमेंट होता है जो आपके अप्लाइड फिजिक्स लैब में कवर किया जाता है खैर हमें उसे अभी खास कोई लेना देना नहीं है बिकॉज हम थ्योरी को हालांकि अलाइन रखते हैं अप्लाइड फिजिक्स लैब के साथ लेकिन अभी फिलहाल आपकी लैब भी उस मोमेंटम के साथ नहीं हो रही होंगी मैं समझ सकता हूँ इन फुल तो आप मुझे बता सकते हैं कि कल हमने फ्रिंज पैटर्न या मैक्सिमा uh, मिनिमा की फॉर शेप फिल्म कुछ कंडीशंस निकाली थी आप बता सकते हैं वर वॉर कंडीशन फॉर एग्जांपल इफ आई अबाउट मैक्सिमा वैसे so, like mm -hmm. okay. चलता है लेकिन, film है लेकिन लेकिन में जाता है. और फिर प्लस लैमडा बाई टू हम जोड़ते हैं ये क्यों जोड़ रहे हैं भाई जिन्होंने पिछली तीन चार क्लासेस एक साथ लिए वो बता सकते हैं कि लेमडा बाई क्यों जोड़ा है Stokes relationship. Stokes relationship तो ये लिखा हमने <coughs> तो आपके पास आ गया दैट टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लैमडा बाई टू वेयर एन स्टार्ट फ्रॉम वन ओके आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट टू यू अब मान लीजिए लेट अस सपोज दैट आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस है नॉर्मल इंसिडेंट वी कंसिडर आर इक्वल्स टू जीरो पहली पॉइंट नॉर्मल इंसिडेंट तो आर क्या हो गया जीरो फिल्म किस मटीरियल की बनी है अभी हमारी ये वाली जो फिल्म है वो किस मटीरियल की है एयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वन इसके बाद मान लीजिए कि आपने जो लेंस लिया था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा था तो आप ये सोचिए कि जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस लोगे उतना ही फ्लैट फ्लैट दिखेगा उतना ही उसका कम पोर्शन ऐसे दिखेगा और जितनी छोटी रेडियस होगी स्मॉलेस्ट रेडियस कैन बी दिस ओके बट हमने एक बड़ी रेडियस का लेंस चुना है तो जो थीटा एंगल होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा ओके okay? तो थीटा इज वेरी स्मॉल Is very small. तो ऐसा करने की वजह से इतनी सारी चीजें लेने की वजह से इसका क्या होगा या इस चीज इस, इस का क्या होगा अब बताए टू म्यू की जगह वन रख दिया टी की जगह टी रखा है मैंने. <coughs> जीरो प्लस थीटा, तो ऐसे देख सकता हूँ अगर ठीटा बहुत छोटा है तो कॉस्ट थीटा किसके बराबर होता है नियरलीफीटा इज जीरो तो वन के बराबर तो आप मान सकते हैं कि अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है तो आई कैन राइट अंडर दोज लिमिट्स दैट 2t विल बी इक्वल्स टू समथिंग लाइक 2n 1 λ 2 ओके okay? 2n 1 λ 2 अब ये t क्या चीज है ये t क्या बला है वो आपको समझ में आएगा क्योंकि थिकनेस तो हमेशा वेरी कर रही है तो उस पर्टिकुलर थिकनेस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा की कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी ये हम देखेंगे सिमिलरली इसी तरीके से आप मिनिमा के लिए भी निकाल सकते हैं और मिनिमा के लिए आप जानते हैं कंडीशन इक्वल्स टू टू एन इन टू लैमडा बाई टू ओके या फिर मैं इसे केवल एन लैमडा भी लिख सकता हूँ बाकी ये हमने कल किया था तो आई डोंट नो आई डोंट थिंक कि मुझे बार बार इसको रिपीट करना चाहिए ये कंडीशन हो जाएगी आपकी मिनिमा की और फिर वही सारे लगाइए एयर की फिल्म है आर बहुत, आर, प, आर है, थीटा बहुत बहुत है, है, छोटा तो दिस गिव यू तो, तो, तो कुछ कुछ अपने कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा निकाल ली ये जो कंडीशन है वो डार्क फ्रिंज की है और यहाँ जो कंडीशन ये वाली जो कंडीशन निकाली है वो ब्राइट फ्रिंज की है नो यू सी दट ये जो फिल्म है वो एक सर्कुलर पैटर्न में घूमी हुई है अगर आप देखें एक साइड से तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा लोकस ऐसे घूमा हुआ है ऐसी फिल्म है तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है आप देखें <coughs> सबसे पहले आपको दिखेगी बीच में एक डार्क फ्रिंज फिर एक ब्राइट फ्रिंज फॉलोड बाय अ डार्क फ्रिंज फिर एक ब्राइट फ्रिंज फॉलोड बाय अ डार्क फ्रिंज फिर थोड़ी सी ब्राइट फ्रिंज फॉलोड बाय अ डार्क फ्रिंज एंड दिस विल कंटिन्यू ऐसे जैसे इवॉल्व हो रही है एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाता हूँ आप बताइएगा कि ये दिख रहा है या नहीं आपको कैन यू सी दिस वन ओके yes, okay. yes, ऐसा ही पैटर्न आपको येलो और ब्लैक लाइन का देखने को मिलता है uh, तो टी तो एक्चुअली क्या है आप ये समझ लीजिए uh, मेरे साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है डेरिवेशन के हिसाब से भी बोल सकते हैं और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी बोल सकते हैं आप okay and uh, what do I need after that I need okay this would be fine so I'm using this to just make a small circle uh, I can call that as a small circle okay fine then so, ये मैंने एक सर्कल बना लिया है आप भी ऐसे ही रफ बना सकते हैं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है <coughs> मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है ये प्लेन है और ये जो सर्कल मैंने बनाया है इसका एक पोर्शन ले लिया था हमने लेट्स से इतना पोर्शन जो कि लेंस है तो आप जानते हैं लेंस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और उसका एक पार्ट हमने ले लिया है आई एम कॉलिंग दिस इज ग्रीन में मैंने बनाया है दैट इज आर लेंस लेट्स से सो so, l l' और यहां मान लीजिए दिस इज अ सेंटर इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं o तो l o l' एक लेंस था जो हमने ये बड़ा वाला सर्कल बनाया है उसका पार्ट है फाइन ab जो है वो हमारी स्लैब है या जो पतली सी थिन शीट है जो बैक साइड में रिफ्लेक्शन की लगाई है अब यहां देखिए आप मैं एक पोर्शन कंसीडर करता हूँ फॉर एग्जांपल लेट मी कॉल दैट एज मैं ये पॉइंट लेता ठीक? ये पॉइंट है मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम रखा पी ये पॉइंट इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट विल टेल मी व्हाट इज द थिकनेस ऑफ माय फिल्म ओके इस पॉइंट का यहां पे जो पर्पेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेट पे दैट विल पर भी मिलेगी ओके so, okay? इसको मैं बोल देता हूं, Q point. और यहाँ ये यह जो पॉइंट यहाँ पे आया मेरे पास आई कैन कॉल दिस जो मिड पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आई कैन कॉल दिस This is it. तो हमारे पास मैक्शन तो 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 तो, सब तो है अब आप यहाँ ये यह समझिए इस थिकनेस की वजह से जो आपको न्यूटन रिंग्स देखने को मिलेंगी फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिंग देखी जो सेंटर से यहाँ पर है इस r पर है तो आप कहेंगे कि रेडियस ऑफ दिस फ्रिंज इज इक्वल्स टू लेट्स से स्मॉल r तो आप यहां पे भी इसे r लिख सकते हैं तो qn विल बी इक्वल्स टू r np विल बी इक्वल्स टू r ओके okay? qn r के बराबर और np भी r के बराबर ये जो r है वो अब इस r से डिफरेंट है ये याद रखिएगा प्लीज ये जो r था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था अब आप चाहें तो इसे r r f बोल दें

यहां तक किसी को कोई दिक्कत हाँ या ना मैं जवाब दीजिए नो सर ओके no, okay. अब आप एक और चीज मानिए एंड लेट अस कंसीडर दैट इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ विच इज देंटर ऑफ द करवेचर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इसको मैं डी बोल रहा हूँ और इसको हमने ओ बोला हुआ ही है तो आप जानते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ करवेचर इज आर तो DC plus CO कितना हो जाएगा? टू आर राइट ये कुछ चीजें हमने याद कर ली क्या इस डायग्राम को अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए न्यूटन रिंग को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कीजिए तो ये डायग्राम बना लेंगे कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं ओके okay? अब जो चीज आती है वो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे लग सकती है एक थ्योरम होती है जिसे बोलते हैं थ्योरम। जो कहती है कि अगर आप दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स लें जैसे कि हमारे पास इस केस में है मैं बोल सकता हूं डी ओ एंड क्यूपी और ये कॉर्ड एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं हाउ कैन आई राइट इट एज Qn into Pn will be equals to uh, Dn into On. Qn into Pn equals to Dn into On. ये थ्योरम है आपको इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है बस ये हमें मैथमेटिक्स का एक प्रीडिफाइंड रिजल्ट है उसे रिजल्ट है उसे यूज करना है तो आप बताएं Qn की वैल्यू हमने क्या ली थी वट इज Qn एन इक्वल्स टू आर एफ रेडियस ऑफ फ्रिंज मल्टीप्लाईड बाय pn किसके बराबर है व्हाट इज pn इक्वल्स टू इट इज आल्सो इक्वल्स टू rf व्हाट अबाउट dn ये देखना पड़ेगा ये dn किसके इक्वल है on बताएं पहले on किसके बराबर है on टी के बराबर है एग्जैक्टली exactly. और जो dn है वो आप देखें सरकम सॉरी डायमीटर माइनस t कर लो इसे 2r t कर सकते हैं रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ दर्टिकुलर लें तो यहां से एक चीज आई आपके पास आप टी निकाल पाएंगे इसको थोड़ा सा आप सोल्व करें क्योंकि टी बहुत स्मॉल होता है तो आप यहाँ से ऐसे लिख लें दिस इस विल इम्प्लाई दैट आर एफ का स्क्वाज रेडियस है उसका स्क्वायर विल बीवल्स टू टू इंटू आर इंटू टी माइनस टी स्क्

स्क्वायर अपॉन अपॉन टू आर ये आर इन टू एफ नहीं है आर के साथ में एक नया टर्म जोड़ दिया रेडियस तो किस थिकनेस पे कैसी फ्रिंज मिलेगी इसके लिए हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी थी आपने देखा था दैट वी वर गेटिंग 2t is equals to 2n minus एन lambda by 2 and 2t equals to n lambda. तो सबसे पहले ब्राइट रिंग के लिए देखते हैं क्या कंडीशन होगी Thickness आपको पता चल गई ब्राइट कंडीशन है टी निकाला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ व्हाट वाज दैट इक्वल्स टू आर स्कॉन टू आर जहां पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, मुझे बार-बार आरएफ -बार लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आर इक्वल्स टू आरएफ लिख दिया है ठीक है वो अब आर इक्वल्स टू नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बात कर रहे तो वो हटा दीजिए ठीक है 2r स्क्वायर अपॉन 2r व्हिच इज इक्वल्स टू ये टी की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन 2r या rf स्क्वायर अपॉन 2r व्हिच इज इक्वल्स टू 2n minus 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2 2n minus 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2 ठीक है तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं दैट एक्सक्यूज मी आर स्क्वायर यानी जो आपकी फ्रिंज रेडियस है उसका स्क्वायर बराबर होगा टू एन माइनस वन इंटू लैमडा इंटू आर अपॉन टू के ठीक तो जो आपकी ब्राइट रिंग होगी जो ब्राइट रिंग दिखेगी हमें उसकी जो रेडियस का स्क्वायर आप लेंगे इट विल बी इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लैमडा इंटू आर ठीक है इसी तरीके से आप बताएं कि जो डार्क रिंग होगी उसका क्या रेडियस होगा वॉट अबाउट द डार्क रिंग डार्क रिंग के लिए हमने निकाला तो इसको केवल हम एन लेमडा लिख सकते हैं और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ लिखा है t का मतलब है आर का मतलब है आर स्क्वा टू आर तो इसे लिख सकता हूँ एन लैमडा के इक्वल तो आर स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं आर को हम लिख सकते हैं um, uh, 2 lambda I can write it as 2n uh, 2 lambda into r और यहाँ भी 2 है तो ये 2 से 2 cancel तो r square को लिख सकते हैं n lambda into r capital R fine n lambda into capital R तो ये दो formulas आए हमारे पास एक r square for maxima या bright ring बोल सकते हैं और एक आर स्क्वायर फॉर मिनिमा या स्मॉल बना दें इसको एम ब्राइट भी बोल सकते हैं एम डार्क भी बोल सकते हैं तो ये ये दो कंडीशन आई कि आपको bright fringe की radius ऐसे मिलेगी और डार्क फ्रिंज की रेडियस ऐसे मिलेगी जहां आपको पता है कि एन की वैल्यू कहाँ क्या रखनी है इस जगह आप एन वन से शुरू कर सकते हैं इस जगह आप एन जीरो से शुरू करेंगे एन जीरो से शुरू करेंगे इस जगह आप एन वन से शुरू करेंगे हुँ? अच्छा अब इस फॉर्मूले पे दोबारा आ जाएं आप ये ये रहा, ये देख लें, कोई भी फॉर्मूला देख लें यहाँ पे अगर मैं t जीरो कर दूं इस फॉर्मूले को भी ना देखें आप तो मैं बता देता हूँ यहाँ देख लें <coughs> अगर मैं यहाँ t जीरो कर दूं तो मैं कंडीशन ऑफ मिनिमा सेटिस्फाई करूंगा आप

नहीं बेटा इसको भी लिख सकते हैं है तो रेडियस ही ना किसी सर्कल की मैं मैंने आपको पहले तो डी डिफाइन ही नहीं किया था ना yes, तो अब हमने डिफाइन किया कि दिस डी इज द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द न्यूटन रिंग तो डी स्क्वायर बाई फोर विल बी इक्वल्स टू टू एन माइनस वन जो भी आपकी पहले कंडीशन चल रही थी लैमडा इन टू आर बाई ये लिख दिया तो बस r स्क्वायर की जगह डी एन डी स्क्वायर बाई फोर से इसको रिप्लेस किया है फाइन और अब आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ कुछ टर्म्स बचे इट इज समथिंग लाइक इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाँ टू इंटू लैमडा इंटू आर इंटू टू एन माइनस वन आप ये देख लीजिए ये फोर से या टू बचेगा वो टू ऊपर चला जाएगा तो तो ये r तो एक ट टर्म है मैं एक वेवलेंथ भी फिक्स यूज कर रहा हूँ मान लीजिए मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए यूज कर रहा हूँ तो और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज करवेचर वो मैं बार बार नहीं बदल रहा हूँ तो इसका मतलब जो आपकी डायमीटर होगी ब्राइट फ्रिंज की वो प्रोपोर्शनल होगी टू एन माइनस वन के अंडर रूट के ओके तो ऑड नंबर्स के अंडर रूट के बराबर होती हैं या प्रोपोर्शनल होती हैं ब्राइट फ्रिंज की डायमीटर ओके

तो से से शुरू शुरू होते होते हैं? Numbers, numbers, होते हैं. तो आप यहाँ या, या आप यहाँ वन लें टू लें थ्री लें फोर लें फाइव लें सिक्स लें जो भी लें उसका अंडर रूट विल गिव यू द डायमीटर ऑफ अ डार्क फ्रिंज और ये जो हैं वो odd natural numbers है वो ऑड नेचुरल नंबर है और odd natural number के लिए आपको This condition would be satisfied. Fine. और आपने देख लिया कि क्योंकि जब हमने t को जीरो कर दिया तो केवल पाथ डिफरेंस जो बचेगा वो लेमडा बाई टू होगा और लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ इशारा करता है और दूसरी चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है वो इस डायग्राम में आप देखिए <coughs> जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही है आप देखें ये फ्रिंजेस या जो रिंग्स हैं वो पास आती जा रही है डू यू सी दैट या हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिंज वित है वो पतली होती जा रही है तो ये भी एक ऑब्जरवेशन है न्यूटनस रिंग एक्सपेरिमेंट में कि जो फ्रिंज विड्थ है वो फिक्स नहीं होगी वो नेचुरल नंबर या कौन सी फ्रिंज आप देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी जैसे चलिए आप मुझे बताएं इसमें अगर मैं आ, यहां मुझे रियल बनाने के लिए n को मैं 0 नहीं रख सकता n को कम से कम 1 रखना पड़ेगा अगर n को 1 रखा तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 फिर अगर इस एन को टू रखा तो वॉट आई विल गेट रूट थ्री करेक्ट फिर उसके बाद मैं रखूंगा फिर root seven होगा, फिर root eight होगा होगा like ऐसा ही यहाँ पर भी होगा आप अंडर रूट ले रहे हैं और उनका डिफरेंस लेते जाएंगे तो वुड फाइंड कि एक मैं एन प्लस वन लू तो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रेंड जिनका की ऑर्डर कम है यानी अगर मैं N1, की बात करूं उनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दिखेगा N7, की बात करूं तो डिफरेंस कम दिखेगा और एक समय ऐसा आएगा या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी डार्क फ्रेंच है कौन सी ब्राइट फ्रेंच है वो इतनी ओवरलैप करने लगेंगी ओके हालांकि ये मैंने बड़ी आसानी से आपको बोल दिया कि इतनी दूर चली जाती है इतनी पास आ जाती है बट एक्चुअली आंखों से देखने में पता नहीं चलता है इनफैक्ट माइक्रोस्कोप लगा के भी पता नहीं चलता कि कौन सी फ्रिंज ज्यादा बड़ी है चौड़ी है और कौन सी पतली है वो एक जैसी ही दिखती है ये तो हमने मैथमेटिक्स लगा के पता कर लिया कि कि ऑड नेचुरल नंबर्स के रूट के बराबर है और रूट के डिफरेंसेस के बराबर होंगी उनकी फ्रिंज विड्थ उससे आपने पता लगा लिया अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फाइंड दैट आउट यू वोंट बी एबल टू गेट दैट फाइन डू यू गेट इट similar is a concept when you want to see uh, newton's ring when they are formed <coughs> due to transmission <laughs> of light but i don't think that is in your syllabus so that finishes in total the interference part and uh, from now on we will be taking up uh, the diffraction one as may some solved examples share karunga you please go through those and also i have shared a few videos on polarization इस हफ्ते करीब शुरू की आठ वीडियोस उस प्लेलिस्ट में से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा मेक प्रॉपर नोट्स और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी आती है यू जस्ट कॉल मी एट दैट टाइम इटसेल्फ और जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज कि सर जब भी आप फ्री हो प्लीज कॉल बैक एंड आई विल डू दैट ओके देयर इज नो सच इशू और अगर आप चाहे तो हम लोग अगर ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं जैसे 15 15 या 20 20 के ग्रुप में तो अगर आप एक समय फ्री हो जाए एंड आई एम ऑल्सो फ्री एट दैट टाइम तो हम लोग मिलकर भी उस यूनिट को डिस्कस कर सकते हैं बट गि इन दिस रही एक यूनिट हम कर चुके हैं पोलराइजेशन वाली पैरेलल में चल रही है और ये यूनिट हम खत्म कर लेंगे उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली यूनिट जो है दैट स्टार्ट

अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको ये लगता है कि नहीं नहीं ये ओवरबर्डन हो जाता है तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि यू हैव टू बेयर विद इट दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि आप अपना समय निकाल कर मुझसे मिलने आ सकते हैं हो सकता है कि जो चार घंटे का वीडियो है वो करीब एक घंटे में हम डिस्कस करके खत्म कर लें हाँ क्योंकि वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं कोशिश करते हैं कुछ छूट ना जाए और जब हम लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं तो डिस्कशन होता है कई सारी चीजें एक्स्ट्रा कवर हो जाती हैं और हो सकता है कम समय में ज्यादा कोर्स भी कवर हो जाए एनी वेज समेट दैट तो तीन वीडियो देख भी ली दैट्स रियली अप्रिशिएबल ओके सो नाउ आई विल पुट दिस ऑन